बहराइच, देर रात आई आंधी के चलते गांव में लगी भीषण आग, 5 मकान जलकर हुए खाक। सुजोली थाना क्षेत्र के कारीकोट आजाद नगर गांव का मामला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सुजोली पुलिस व एसडीएम मोतीपुर संजय कुमार। एसडीएम मोतीपुर ने ग्रामीणों को दिया मदद का आश्वासन। बहराइच जिले के तहसील मोतीपुर अंतर्गत विकासखंड मिहपुरुआ के ग्राम पंचायत कारीकोट के आजाद नगर गांव में देर रात आई भीषण आंधी के चलते आग लग गई। भीषण आग को देख ग्रामीणों में अफरा तफरी भी मच गई। इस बीच आंधी के चलते आग ने अपना रौद्र रूप अपना लिया, जिसके चलते 5 ग्रामीणों के घरों में भीषण आग लग गई। इस दौरान सूचना मिलते ही तत्काल सुजोली पुलिस मौके पर पहुंची। ये है आग, जरा सब बुझ जाए पूरी तरह से। तो लेखपाल साहब, अभी 4 घर बताए लेखपाल ने, अभी लगभग सभी कुछ जल चुका है जी। लेकिन अभी जरा आग पूरी तरह से बुझ जाए तो मैं और इनसे कहा है, लेखपाल से कहा है कि और दोबारा से चेकिंग कर लें जी, और पूरा कितना कितना क्या नुकसान हुआ है, वो हुआ है जो भी नुकसान हुआ है पूरा उसको लिख के रिपोर्ट बना के कल ही हमें तहसील में पेश करेंगे। ऑनलाइन फीड होता है, ऑनलाइन फीड होने के बाद शासन से जो भी सहायता है मानक के अनुसार वो हम तत्काल वो करवाएंगे सर इनको। और इनको खाने पीने के लिए जो अभी मैंने क्या कहते हैं आपके क्षेत्रीय कोटेदार हैं उनको कह दिया है और प्रधान जी को भी कहा है, तो फिलहाल खाने पीने की इनकी व्यवस्था 2-4 दिन तक की जाएगी और जो भी इनको आगे सहायता अनुमन्य है वो हम जल्दी से जल्दी दिलवाएंगे, ठीक है। और इनको पन्नी अन्नी की व्यवस्था करवा दीजिएगा, ठीक है जी। जो है पूरी तरह हम जो भी मदद होगी वो करेंगे। घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है जी, आंधी की वजह से घटना घटी है जी। जो भी खाना वाना बनाते समय या जैसे भी घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ठीक है प्रशासन इनके साथ है ना, हम पूरी मदद करेंगे और जितनी जल्दी से जल्दी शासन से जो भी इनकी सहायता है हम दिलवाएंगे। हमारे साथ रामफल चौहान जी मौजूद हैं, आज आपके गांव कारीकोट आजाद नगर में आग लगी हुई है, क्या नुकसान हुआ है उससे और किन किन कितने घरों में आग लगी है कुछ बताइए। लगभग सर 5 घर जल चुके, जल गए। कैसे आग लगी थी है? ये कैसे आग लगी थी? अब ये आग बता रहे थे कि कुछ है वही गाय वाय के पास रखे थे। अच्छा, मच्छरों को भगाने के लिए? मच्छरों को भगाने के लिए उसी से हुआ है। और सामान वामान तो कोई निकाल नहीं पाए, गाय बछड़ा भी रहा है वो भी ना खोल पाए, वो भी जल गया। और कोई भी सामान और कुछ बक्सा रहा है, लेमारी रहा है, सारा जल गया। खाना पीने वाला सामान वो भी जल गया। अच्छा, किसके किसके घर में आग लगी है? एक है यहाँ राजेश्वरी, वो बेवा नंदलाल, उनके यहाँ जली है। और दूसरा है बगल में श्याम बिहारी, सीता जी के नाम पुत्तीलाल, उनका जला हुआ है। फिर उसके बगल में रमाकांत, बाप नाव सूरजलाल, उसका जला है। फिर उसके बगल में राम निवास, बाप नाव महादेव, और उसका एक लड़का था अलगवती बना रहा है लाल मोहर, बाप नाव राम निवास। अच्छा, इतने लोगों के घर यानी 5 लोग हैं नुकसान हुआ है, लोगों का घर जला हुआ है। अच्छा, मौके पर कोई अधिकारी? मौके पर अधिकारी सर अभी एसडीएम साहब भी आए थे और थाने से अध्यक्ष जी जो रहे यशो साहब वो भी आए, और स्टाफ था और लेखपाल भी थे। यानी आप सभी लोगों ने मशक्कत करके आग को बुझाया? जी हाँ, गांव के काफी लोग किया है मेहनत तो आग पे काबू पाया है, लेकिन घर पे वो सब जितना भी था वो जल ही गया, आंधी आ गई। यहाँ पे कारीकोट माता मंदिर के प्रांगण में था, तभी रात के अचानक मुझे पता चला कि यहाँ पे आग लग गई है। और मैं तत्काल, अपने 4-5 लोग भी हमारे साथ में थे, मैं सभी के साथ में भाग के आया और यहाँ पे आग बुझाने में मेहनत की, और हमारे साथ साथ ग्रामीणों लोगों ने मेहनत की, तब जाकर कहीं आग पे काबू पाया गया। मौके पर कौन कौन से अधिकारी आए? मौके पर एसडीएम सर थे, सचिव सियोली थे, लेखपाल साहब थे, मौके पर प्रधान जी भी थे, प्रधान प्रतिनिधि भी थे, सभी लोग मौके पर थे ग्रामीणों के साथ साथ। तो कितने लोगों को मतलब आग में कितने लोगों का घर जला? लगभग 5 या 6 लोगों का आग में घर जल गया। भीषण आग को क्षेत्रीय ग्रामीणों व पुलिस के सहयोग से कड़ी मशक्कत कर पानी के मोटर और इंजनों के माध्यम से बुझा लिया गया, लेकिन तब तक 5 ग्रामीणों के घर जलकर पूर्ण रूप से खाक हो चुके थे। इस दौरान एक मवेशी की भी जलकर मौत हो गई। सूचना पाकर तत्काल एसडीएम मोतीपुर संजय कुमार मौके पर पहुंचे। इस दौरान एसडीएम मोतीपुर संजय कुमार ने बताया, आंधी के चलते आग ने भीषण रुद्र रूप अपना लिया, जिसके चलते 5 ग्रामीणों के घर जलकर खाक हुए हैं, जिसमें राजेश्वरी, श्याम बिहारी, राम निवास, लाल मोहर, रमाकांत के घर जलकर खाक हुए हैं। इस दौरान एसडीएम मोतीपुर ने बताया कि अग्निकांड में पीड़ित ग्रामीणों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, तहसील प्रशासन के द्वारा नुकसान का आकलन कर मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। इस दौरान भीषण आग के चलते ग्रामीणों के मवेशी समेत साइकिल व गृहस्थी का संपूर्ण सामान जलकर खाक हो गया है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया उनका अनाज भी पूर्ण रूप से जल चुका है।
इस मौके पर क्षेत्रीय ग्राम प्रधानों व ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से एक फायर ब्रिगेड की मांग सुजोली थाना क्षेत्र में की है। क्षेत्रीय प्रधानों व ग्रामीणों के मुताबिक नानपारा में फायर स्टेशन स्थित है, जबकि नानपारा से सुजोली थाना क्षेत्र की दूरी लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। आग लगने की स्थिति पर यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर नहीं पहुंच पाती है, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान भी आग के चलते उठाना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग यह है कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी सुजोली थाना क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाए, जिससे आग जैसी स्थिति से निपटा जा सके।